खबर इंडिया 7। इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि इसकी किसी भी व्यक्ति या घटना से समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये नाटक सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, कल हमने जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का टेस्ट दिया था, आज उसके रिजल्ट आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने मार्क्स देखने आ जाइए। ऋतिक। यस मैडम। ऋतिक के नंबर है 100 में से 80। ये लो अपना पेपर। थैंक यू मैडम। वेल डन, वेल डन। सीखो कुछ, सीखो। राजू। यस मैम। मेरे आए 80%। राजू के नंबर है 100 में से 33। ये ज्यादा खुश मत हो, IAS अफसर नहीं बने हो, चलो जाओ। पप्पू। यस मैडम। पप्पू के नंबर आए 100 में से 00। आज पार्टी पप्पू देंगे। 100 में से 00 वो भी डबल। अरे मैडम यू कैसे हो गया? कैसे क्या हुआ? जैसा टेस्ट दिया था वैसे ही हुआ है। अरे मैडम चश्मा लगा के देखो, चश्मा लगा के देखो, हट के देखो, लो चश्मा लगा के देखो। लो चश्मा लगा के भी देखते हैं। ये तो 00 मुझे और भी बड़ी दिख रही है। अरे मैडम यू कैसा होगा? मैं तो दिन रात पढ़ा, मैंने तो सारे देवी देवता पूछ गए। तड़के तो लेकर शाम लग डिब्बी में भी पढ़ा, मेरे 00 कैसे आ गई? यो गलत है सब, मैं नहीं मानता तुम्हें। चलो ठीक है पप्पू, जो आपने टेस्ट में लिखा है वो ही मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। कर दूंगा जी। ठीक है, चलो पहला सवाल। मैं एक आम आदमी हूँ। ये तो बहुत आसान है। आई एम ए मैंगो मैन। ठीक है, दूसरा सवाल। मेरा सिर चक्कर खा रहा है। My head is eating chakkar. मैं हरिद्वार में रहता हूँ। ये तो बहुत आसान है मैडम जी। बोलो। I am living in Green Gate. अच्छा। चौथा सवाल। दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। Tablets are running on the road of दिल्ली। चलो पांचवा सवाल। मुझे इंग्लिश आती है। ये कौन सी बड़ी बात है, इसी के ऊपर तो सारी लड़ाई है। ये भी बता रहा, इंग्लिश कम्स मी। अच्छा चलो छठा सवाल। मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा, डोंट Fly my jokes. आखिरी सवाल। बंदर भागकर पेड़ पर चढ़ गया। बस इतना आसान सवाल। The monkey मार लड़ंगी चढ़ गया on the tree. वैसे पप्पू आपके लिए सारे सवाल बहुत आसान थे। आसानी है जब ठीक भी है। तभी आपके 00 आए हैं। यही तो सवाल है, ये 00 क्यों आए? चलो आप भी सब जान गए होंगे इनके नंबर 00 क्यों आए।